आपसे ये पूछना चाहूंगी, अब इलेक्शंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब जो होने वाले इलेक्शन में इलेक्शंस हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा? अब ये मुझे आप नजूमी समझ के सवाल कर रही हैं या मैं कुछ जिन बूथों से पूछ के आपको बताऊं या कुछ जादू बताऊं। पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर 2018 के बाद बर्बाद कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा फरूक और मैं आज अपने चैनल के ऊपर बहुत ही बड़े इंसान को लेकर आई। इनका नाम है सदीकुल फारूक साहब। ये मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा नाम है। आजकल अपनी बीमारी की वजह से घर में हैं, लेकिन इनसे ज्यादा अच्छी सियासत कोई समझ नहीं सकता। सर, मैं आपको बहुत बहुत वार्मली वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं एक पार्टी का अदना कारकुन हूँ। ये ठीक है कि सियासत में बहुत अरसे से हूँ, स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, लेबर लीडर रहा हूँ, जर्नलिस्ट लीडर रहा हूँ, ये बातें तो ठीक है, लेकिन हूँ मैं एक अदना सा कारकुन। बिस्मिल्लाह कीजिए। ये आपकी बड़ी खूबसूरत बात है सर। सर, मेरे किसी सवाल से आपको तकलीफ हो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन सियासत है सर। जी बिस्मिल्लाह। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुस्लिम लीग नून के अंदर आज आपका क्या मकाम है? हम सब कारकुन हैं और मुझे जब अल्लाह तबारक वताला ने जनाब नवाज शरीफ के हाथों एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जिसे मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड कहते हैं, उसका चेयरमैन बनवाया, तो 3.5 साल में चेयरमैन रहा। फिर आपको पता है 17 में तो जनाब नवाज शरीफ को अदालती कू के जरिए बाहर निकाल दिया गया, फिर सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। ये जुर्म उन्होंने किया। तो मैं फिर 18 उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो मेरे पास 2 साल बतौर कारकुन काम करता रहा, और फिर नवाज शरीफ ने से सेक्रेटरी लॉ लगाया, फिर लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया, फिर वो यहाँ तक पहुँचा। तो कुछ ज़मीनों का मामलात पे मैंने जब एवेक्यू ट्रस्ट के हक में फैसले किए और करवाए, तो साकिब निसार के हाथों मुझे भी फारिग करवा दिया। तो उस वक्त से सियासत में से तो मैं नहीं था, लेकिन अब मैं इस वक्त पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर। राइट सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब को क्या कहते हैं सियासत से ताउम के लिए फारिग कर दिया गया था, वो उस दौर का नारा था, मुझे क्यों निकाला, लेकिन अब तो नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं। मैंने आपको उनके इर्द गिर्द नहीं देखा, मैंने मरियम नवाज की सियासत में आपको नहीं देखा, उसके पीछे कोई खास रीजन? देखिए, मैं बीमार हूं, मैं तो चल फिर नहीं सकता। आज तो कोई 10-15 दिन हुए हैं कि मेरी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है, मैं तो चल नहीं सकता, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। बातें करते करते, यानी आज से 15 दिन पहले, मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता था, फिर मुझसे बात नहीं हो सकती थी। तो वो आप दर्शित हुआ, तो मैं कैसे सियासत में कुछ काम कर सकता हूँ? अच्छा, ठीक हो गया, फिर इसका मतलब आप अभी सियासत में कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन सियासत का हिस्सा तो है ना, मतलब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है? 100%, 100%। जो जज्बात में आपके देख रही हूँ मुस्लिम लीग नून के लिए, क्या उन लीडर्स को मालूम है कि उनका एक जांबाज सिपाही आजकल किन हालात में रह रहा है? जी मालूम है, और क्या वो आपके लिए आते मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर जो भी हो उसे पूरे इखलास से, अगर वो पार्टी लीडरशिप से, पार्टी के प्रोग्राम से इत्तेफाक रखता है, तो वो मुखलिस हो, वो डिसिप्लिन का पाबंद हो, अगर उसे कोई इख्तलाफ किसी मामले पे हो भी, तो पार्टी के अंदर बैठ के बात करे, ना कि पब्लिक में नारे लगाता फिरे। ये अच्छे कारकुन की और अच्छे सियासतदान की निशानी नहीं है कि वो ये कहे मैं पार्टी में हूँ और पार्टी से इख्तलाफ को दुनिया में जो वो तश तश बांग करता फिरे। अगर मुझे किसी वक्त कोई इख्तलाफ हुआ भी, तो मैं अपनी लीडरशिप से या सेंट्रल वर्किंग कमेटी में बात करूंगा।
वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, शाहिद खाकान साहब के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है? क्या वो इस जमात का हिस्सा हैं या अलहदा हो गए? वो जमात में ही है। मेरी लेकिन दो कुछ दिन पहले सर जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। नहीं, अलहदगी तो उन्होंने नहीं इख्तियार की, उन्होंने वाजे तौर पर कहा मेरी पार्टी ठीक है, मैं अलहदा तो नहीं हुआ, नहीं हूँगा। ठीक असल में जब वो बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे ताल्लुकात उनके खानदान से, उनके वालिद साहब के वक्त से, जनाब सही खाकान अब्बासी मरहूम शहीद जो हैं, उनसे जी मेरे जी दोस्ताना मरासिम थे। वो 10 अप्रैल ठीक को ओजरी कैंप ब्लास्ट में वो मिसाइल लगने से जी शहीद हो गए। उनका बड़ा जी बेटा जाहिद जो है वो भी उसमें ठीक ऐसा जख्मी हुआ कि फिर बाकी जितनी जितना अरसा वो जिंदा रहा बेचारा, वो एक बस, यानी जिसे कहना चाहिए वो क्लिनिकल लाइफ ही रही, वो होश में नहीं आया उस वक्त। फिर शायद बाहर से आए, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनसे भी उस वक्त से ताल्लुक है। बतौर वजीर आजम भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वजीर आजम तब जब वो नहीं रहे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या किरदार अदा करें, और जो ठीक बातें वो पब्लिकली करते हैं उन्हें पार्टी के जी अंदर करनी चाहिए। बस मेरा ये इख्तलाफ है उनसे। सही। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब सियासत से पीछे हट जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून को लीड शहबाज शरीफ साहब करेंगे, मरियम नवाज करेंगी, या हमजा शहबाज शरीफ करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि अल्लाह पाक जनाब नवाज शरीफ को अच्छी सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। जब तक वो उन्हें अल्लाह ने जिंदगी देनी है तो पार्टी के कायद वही है, बाकी भी लोग तैयार हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब की उम्र उनसे 1.5 साल कम है, ज्यादा छोटे नहीं है, लेकिन वो उन्हें अपने वालिद साहब की जगह समझते हैं। मरियम नवाज माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी, साहिबे मुताला, बहुत अच्छी तकरीर करने वाली सियासी लीडर बन गई है, मैसेज को अट्रैक्ट करती है और अच्छी तरह से सियासत को समझती है। हमजा शहबाज भी बहुत अच्छी तरह सियासत को समझते हैं। तो जब कोई वो मौका आया, क्योंकि सब ने जाना है उस वक्त, मैं समझता हूँ कि ये फैसला हो जाएगा कि कौन पार्टी को लीड करता है। वही लीड करेगा जिस पर पार्टी की गालिब अक्सरियत को एतमाद होगा। अगर जमहूरियत आवाम के लिए है, आवाम की पसंद से है, तो फिर जिसके पीछे आवाम ज़्यादा चले, मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी चले, वही लीडर बनेगा। सही सर। मैं आपसे सर यहाँ पे ये सवाल करना चाहूंगी, चौधरी निसार साहब ने जमात को छोड़ा, उनके कुछ तहफुजात थे, आप मेरी बात जी, समझ रहे होंगे कि तब मैं बहुत भी अच्छा नवाज समझता हूँ। शरीफ के बाद खानदान में ही मौका दिया जा रहा था, उन लीडर्स को मौका नहीं दिया जा रहा था जो ताउम्र एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। बहुत सारे लोग उस दौर में भी टूटे, अब भी टूट रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ के खानदान में जो सियासत का मेयार है वो खानदान में ही रहेगा? मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि अगर एक तरफ चौधरी निसार जुलूस के लिए कहें और वो निकले, एक जी तरफ मरियम नवाज निकले, तो आप जी देख लेंगे कि चौधरी निसार के पीछे कितने लोग चलते हैं और मरियम नवाज के पीछे कितने लोग चलते हैं। तो मैं ये मौरूसियत मौरूसियत की बात तो करते हैं लोग, जी अगरचे ये मौरूसियत इंडिया में भी आपको नजर आएगी, बांग्लादेश में भी नजर आएगी, श्रीलंका में भी नजर आएगी, अमेरिका में भी आपको कैनेडी बुश खानदान नजर आएगा, और बहुत से मुल्कों में कुछ ना कुछ नजर आएगा। तो ये उस वक्त तक चलता है जब तक आवाम उन लोगों को मानते हैं।
अब अगर फर्ज करें पार्टी इलेक्शन ही से, पार्टी इलेक्शन में नवाज शरीफ खानदान का कोई आदमी खड़ा हो जाता है किसी ओहदे के लिए और उनके मुकाबले में पार्टी का कोई दूसरा आदमी खड़ा होता है, तो लोग किसे वोट दें? मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नवाज शरीफ साहब ने 93 के इलेक्शन अपनी सीट छोड़ी, एक सीट, तो मियां साहब ने या पार्टी ने एक और साहब को टिकट दिया, लेकिन उनके हलके के लोग वफ्द बनाकर आने शुरू हो गए, एक वफ्द, दूसरा, तीसरा, कि नहीं हमें अपनी फैमिली का बंदा दे। तो अब्बास शरीफ मरहूम जो सियासत न करना चाहते थे ना उन्हें पसंद थी, लेकिन उन्हें फिर देना पड़ा, फिर अब्बास शरीफ जो है उनको लोगों ने इलेक्ट किया। तो ये लोगों की पसंद, जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक मामलात जो हैं इस तरह नहीं हो जाएंगे कि जिस तरह पार्टियां जो हैं उनको कई कई सौ साल हो गए सियासत को अमेरिका में, बरतानिया में, और वहाँ जिस तरह की दो दो पार्टियां बनी हैं उस तरह यहाँ भी हो जाता है, उस वक्त तक ये मौरूसियत चलेगी। और असल मसला कारकर्दगी का, अगर कारकर्दगी ना हो तो फिर अवाम भी मुस्तरद कर देते हैं। आपको पता है 2008 में पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद इकतदार में आई, उन्हें हमदर्दी का वोट मिला, लेकिन 2008 से 2013 तक वो डिलीवर ना कर सके तो फिर क्या हुआ? फिर पंजाब से उनका बोरिया बिस्तर गोल हो गया 2013 के इलेक्शन, ठीक हो गया। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अब इलेक्शंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब जो होने वाले इलेक्शन में इलेक्शंस हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा? अब ये मुझे आप नजूमी समझ के सवाल कर रही हैं या मैं कुछ जिन भूतों से पूछ के आपको बताऊं या कुछ जादू बताऊं? एक्चुअली मैं आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक बात कर रही हूं कि जैसे आपने कहा कि पिछली बार बेनजीर के बाद हुआ, लोगों का बिस्तरा गोल हो गया, तो अभी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ मैदान में पीटीआई है, वो भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं करके गया है, नवाज शरीफ के नाम पर वोट मिलता है, इसीलिए दूसरे लोगों को जो सियासी कारकुन हमेशा से उनके साथ चल रहे हैं उनको मौका नहीं मिल पाता। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मौका मिला, मजबूरी के तहत मिला, वो भी नाराज हैं। चौधरी निसार साहब के बारे में भी आपने कह दिया कि अगर हम पब्लिकली उनको बुलाएं तो ज्यादा वोट नवाज शरीफ की फैमिली को नहीं मिलेगा। मैंने चौधरी निसार साहब के बारे में पूरी बात नहीं की है, सॉरी वो रह गई। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि मैं चौधरी निसार साहब को जब वो पहली दफा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बने मैं उस वक्त से जानता हूँ, और उनके वालिद साहब को मैं जानता हूँ। तो चौधरी निसार साहब का एक खास मिजाज है, बिल्कुल वो मतलब है, बस क्या मतलब है कि उनका सियासी मिजाज भी कुछ उसमें लिमिटेशंस हैं, और वो अपनी ज़ात उनके नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी पसंद के मुताबिक सियासत करता हूँ और करूँगा। वो जो पसंद की सियासत है उसमें बहुत दफ़ा टॉप लीडर को भी वो इग्नोर कर देते हैं और समझते हैं मैं बहुत चीज़ हूँ, और उसमें फिर हाँ उन्होंने उनमें जो मैं है वो इतनी ज्यादा है कि उसने उन्हें नुकसान पहुंचाया, और वो उस मैं से निकले नहीं। अब तो वो नवाज शरीफ साहब से साल छह महीने छोटे हैं, इससे ज्यादा तो की कमी नहीं है। इसे भी प्रेडिक्शन करें क्या होने वाले अगले इलेक्शंस में? करता हूं। मैं अर्ज करता हूँ, मैंने ये जादू और अपना इल्म नजूम का जिक्र भी किया, तो आपको पता है सियासत में कुछ लोग, कुछ लीडर इन्हीं बुनियादों पर फैसले भी करते रहे, तो मैं जरा मजाक कर। देखिए इस वक्त काफी कंफ्यूजन है, लेकिन मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के आने के बाद अपने हल्का असर में जो उनके वोटर्स थे वो इंटैक्ट हैं, वो ज्यादा मुतहरिक हो गए हैं, और जब नवाज शरीफ साहब की वजह से आप मुस्लिम लीग नून की एक हवा चली है तो बाकी पार्टियां जो है वो भी ये समझ रही हैं, पीडीएम की पार्टियों के साथ, उसके अलावा कुछ पार्टियों के साथ हम जुड़ रहे हैं, कुछ हमारी तरफ आके जुड़ रही हैं,
तो ये मिल मिला के मुस्लिम लीग नून अपने आबाद के साथ, अपने हलीफों के साथ मिलके, मैं ये समझता हूँ कि अच्छी खासी अक्सरियत ले लेगी और इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ हुकूमत बना लेगी। सर मैं आपकी बात को दोहराना चाहूंगी कि आपने कहा मुस्लिम लीग नून अपने हरीफों के साथ मिलकर मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना लेगी, ऐसे ही है सर? जी, हलीफों के साथ मिलकर। ठीक, हलीफों के साथ मिलकर हुकूमत बना लेगी। और मेरी ऑब्जर्वेशन सर ये कहती है कि एक फ्रेंडली मार्शल लॉ, यानी कि सियासतदान के पीछे फौज। ये आपने एक नई इस्तेलाह दे दी है, फ्रेंडली अपोजिशन, फ्रेंडली मार्शल लॉ, चले जुडिशियल मार्शल लॉ, जुडिशियल कू, ये बातें आती हैं। चले, लोग पढ़े लिखे लोग नई नई चीजें जो हैं वो घड़ते हैं, कॉइन करते हैं, नई नई इस्तलाहात। मार्शल लॉ नहीं, असल में पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर 2018 के बाद बर्बाद कर दिया गया। ये बैन अलाक़वामी इदारों के सामने भीख मंगा हकारी बन गया, इसकी इज्जत बैन अलाक़वामी सतह पे, वो पाकिस्तान जो 53-54 जर्मनी को भी कर्जा देता था, जापान को भी कर्जा दिया, अरब मुल्कों की भी मदद की वगैरह वगैरह, जी जी, उन मुल्कों से जाके अब उनकी मिन्नतें करके, समाजत करके वो लेता रहा, ये अपना इमरान खान के दौर में भी, और उन्हीं ने जो बुनियादें डाल दी थी तबाही की, उसकी वजह से ये 16 महीने में और केयर टेकर पीरियड में, तो इसकी मईशत वहां पहुंच गई कि अगर इसकी मईशत को ठीक न किया गया तो फिर पाकिस्तान मेक और ब्रेक, यानी ये तो फिर खुदा ना खास्ता टूटने वाली पोजीशन होगी कि जब आपकी जेब में पैसे ना हो आयशा, आपको भूखी हो आप रोटी कैसे खरीदेंगे, आपको कपड़ों की जरूरत हो कहाँ से खरीदेंगे, आपके पास मोटरसाइकिल या गाड़ी है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे। तो पाकिस्तान जो 25 करोड़ आवाम का इतना बड़ा मुल्क है, इतना अजीम मुल्क, वो कैसे जिंदा रहेगा, कैसे आगे चले, तो सबसे पहले इसकी मईशत को ठीक कर। और वो नवाज शरीफ जो है वो नाम ही मईशत की इस्लाह और मईशत की तरक्की का है, वो जब भी आए हैं उन्होंने मईशत को तरक्की दी है। तो इस वक्त जो सबको साथ लेके चलना है, इसको लेके चलने के साथ हमने माशी फ्रेंडली है, इकोनॉमिक फ्रेंडली माहौल बनाना, सरमायाकारों सरमायाकारों सनतकारों ताजरों को वो सहूलतें देनी है जिससे वो अपनी सरगर्मियां शुरू करें, तिजारत ताजरों अपना सॉरी ज़रात के लिए हमने वो सहूलतें देनी है कि किसान के अंदर ये जज्बा पैदा हो, उसे वो वसाइल मिले कि वो ज़रात को तरक्की दे, पैदावार बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी इम्पोर्ट कम हो, तो हमारे खजाने में पैसे आए, तब जाके ये पुल पाँव पर खड़ा होगा। और उसके लिए वही मैंने कहा, हमें दोस्ताना फजा पैदा करनी होगी, मार्शल लॉ नहीं लगा। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती वक्त का अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ रابطے में रह जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नवाज़िश, अस्सलाम वालेकुम।